थाना नागफनी क्षेत्र के बंगला गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 8 वर्षीय मासूम झुलस गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंझौला के काशीराम नगर में हंसा देवी रहती है और पति लक्ष्मण का कुछ वर्ष पहले बीमारी के चलते इंतकाल हो गया था, जिसके कारण कभी कभी वह अपनी बेटी छाया की ससुराल बंगला गांव तारों वाली गली में अपने 8 वर्षीय बेटे कृष्ण के साथ आती जाती रहती है। शुक्रवार को हंसा अपने 8 वर्षीय बेटे कृष्ण के साथ अपनी बेटी की ससुराल आई हुई थी। कृष्ण छत पर पतंग उड़ाने के लिए चढ़ गया और पतंग का मांझा हाई टेंशन लाइन से लग गया, जिस कारण 8 वर्षीय कृष्ण झुलस गया। जब कृष्ण की चीखने की आवाज़ उसकी बहन छाया को सुनाई दी तो वह भागकर छत पर पहुंची और झुलसे हुए मासूम कृष्ण को उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार शुरू कर दिया गया है। जानकारी देते हुए छाया ने बताया, ये हमारे घर पे घूमने आए थे तारों वाली गली में, अचानक ये छत पे गए, खेल रहे थे, मंजर से पतंग आ गई थी कट के, तो ये लोग उड़ाने लगे तो बिजली के तार से झपेट में आ गए। तारों वाली जो बंगले गाँव की तरफ जो छत के ऊपर है हमारे, कौन सी लाइन जा रही है? एक वो 11 वाली चपेट में आ गए। हाँ जी, उसकी चपेट में आ गए। कहाँ भर्ती कराया आपने? जी, ये सरकारी हॉस्पिटल में। कैसी हालत है बच्चे? अब तो खैर सही है थोड़ा, पर टांग वगैरह सब जल गई है, गला भी जल गया है। काफी चोट लगी। हाँ जी, काफी चोट लगी है।